एलन मस्क का सलमान भाई से मिला डिकेय मैं बोलता हूँ। बहुत लंबे टाइम तक इफ एनीवन इज एक्सपोज टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दे हाँ नो सलमान खान ओन्स और मतलब कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट ऑफ द सिनेमा हॉल्स। ठीक है, राइट क्या होता है कि जब उसकी मूवीज आती हैं ही हाँ हैज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टाई अप्स विथ ए डिस्ट्रीब्यूटर्स। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स उससे उससे डरते हैं। ठीक है, हाँ अब भाई की अगर मूवी आ रही है ना तो कोई भी सिनेमा हॉल का डिस्ट्रीब्यूटर किसी और को अलाउ ही नहीं करेगा। सो हैव यू इंटरेस्टिंग नोटिस अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग, व्हेनेवर सलमान खान लॉन्चेस कोई आके आगे उसके पीछे आसपास नहीं, नहीं करेक्ट करेक्ट करता। करेक्ट, वो डिसाइडेड द है और ईद पे रीजन वो डिसाइडेड है। एग्जैक्टली द रीजन इज नॉट मार्केटिंग कि भाई का ऊपर जाएगा, द रीजन इज दिस कार्टल कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर अलाउ ही नहीं करता आने के लिए। आप करेक्ट दिखाई नहीं पाओगे, क्या करोगे? करेक्ट बट यू करेक्ट विल सी सलमान खान अगर मूवी में दे रहा है ना, नेटफ्लिक्स में रिलीज होता है। अगर दैट वॉज ट्रू कि अ हाँ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स वॉचिंग द मूवी तो मेरा नहीं देखेंगे, हाँ देन नेटफ्लिक्स में भी नहीं होता। दैट इज द मेन थिंग। द सेम थिंग गोज विथ इंटरेस्टिंग एलन मस्क, वन राइट पर्सन कंट्रोलिंग द होल योर मतलब वो क्या उसका नाम है, डोजकॉइन को ऊपर नीचे किया। बाप रे दैट एंड वाज वॉट इज ह्यूज इंटरेस्टिंग इज दीज पीपल आर द प्रोपेगेटर ऑफ डिसेंट्रलाइज मार्केट। वो मैं समझ नहीं आता। इफ फिलोसॉफिकली यू आर द प्रोपेगेटर ऑफ अ वर्ल्ड विच इज नॉट कंट्रोल बाई वन पर्सन, राइट प्रैक्टिस पे तो नहीं दिख रहा है वो वाला चीज। नहीं पर तो एलन मस्क भी प्रिटी इंटरेस्टिंग है यार। आई मीन आई लव दैट गाय, आई लव दैट गाय। नो इफ यू सी दिस राइट ही ओन्स व्हाट 6 to 6 कंपनीज नाउ बोरिंग कंपनी हो गया, स्पेसएक्स हो गया, स्पेसएक्स टेस्ला हो गया, हाँ न्यूरालिंक हो गया, राइट और कुछ दो तीन पड़े ट्विटर हो गया होंगे, अब तो अब ट्विटर हो गया हाँ पक्का, और पांच छह होंगे जो और हमें नहीं छह पता। कंपनीज और ही इज द फादर ऑफ आई गेस 7 8 kids एंड देन ही हैज टाइम टू ट्वीट एवरीथिंग ऑन मैं ट्विटर ऑल समझ द नहीं आता टाइम हाउ। एंड ही पोस्टेड रिसेंटली आई गेस एंड कि देन लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स कंप्लेन अबाउट वर्क लाइफ हाँ बैलेंस हाँ विच इज राइट इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग टू सी राइट हाउ अ पर्सन हु ओन्स वन ऑफ द बेस्ट टेक कंपनीज इन द वर्ल्ड राइट 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 एंड इज अ राइट फादर इज आई अ रिमेम्बर आई गेस एलन और समवन, आई गेस एलन मस्क ट्विटर पे या कहीं पे हाँ पूछे कैसे ओपन किया था, इफ यू हैड टू आस्क मी वन क्वेश्चन व्हाट वुड यू आस्क। राइट कुणाल शाह आस्क दिस क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा है ट्विटर पे या कहीं पे, कि हाउ डू यू कॉन्टेक्स्ट स्विच योर सेल्फ सो मेनी टाइम्स। और उसने एक वीडियो में भी जाके कहा था कि द अच्छा प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल इज दिस, लेट्स से यू आर रनिंग वन कंपनी, चलो मान लो ऑब्वियसली नॉट राइट रनिंग मल्टीपल कंपनी इज नॉट अ फैशन, करेक्ट इज एन आउटलायर। राइट तो इफ यू आर रनिंग इन द मॉर्निंग, शाम को आप आते हो, यू हैव टू स्विच योर सेल्फ टू बी अ हस्बैंड एंड यू हैव टू स्विच योर सेल्फ टू बी अ पेरेंट। लेट्स से राइट तीन स्विचेस यहाँ पे हैं, ही हैज टू स्विच फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अलग अलग। करेक्ट तो न्यूरालिंक पूरा अलग है, तो अगर कॉल आया कि भाई ये भसड़ हो गई तो न्यूरालिंक में अलग कॉन्टेक्स्ट है। करेक्ट तो मुझे ना वो समझ नहीं आ रहा हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन स्विच कॉन्टेक्स्ट, एंड दैट्स द ओनली रीजन आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट। यहाँ राइट पे मेरे को एब्सोल्युटली मैनेजर से इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर स्विच में मुझे इश्यू आ जाता बहुत है। दैट्स व्हाई ही इज द द ब्रेन तो है किंग या मतलब। डेफिनेटली।